वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएफआरएस 15 के टॉपिक से रिलेटेड पिफा के एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं समर 2018 की अटेम्प्ट से। क्वेश्चन ये है कि महक एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर सेटिस्फाइड ओवर टाइम, यानी रेवेन्यू ऐसे रिकग्नाइज होगा जैसे जैसे टाइम गुजरेगा प्रोग्रेस कंप्लीशन के हिसाब से, सारा रेवेन्यू किसी एक पॉइंट इन टाइम पर रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ है उसकी डेट गिवन है 1 जनवरी 2004। द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 24 मंथ्स, यानी 2 साल एक्सपेक्टेड है, यानी टाइम फिक्स नहीं है, टाइम 24 मंथ्स तक हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। द प्राइस विच हैज़ बीन एग्रीड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज ₹5 मिलियन, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गई, ट्रांजेक्शन प्राइस जिसे हम कहते हैं। एट 30th September 2004, ये अगर आप देखें तो 9 मंथ का टाइम गुजर चुका है। द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वर 1.6 मिलियन और एस्टिमेटेड रिमेनिंग कॉस्ट है 2.4 मिलियन। ऑन 20th September महक रिसीव्ड अ पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर ऑफ ₹1.8 मिलियन विच वॉज इक्वल टू द टोटल ऑफ द अमाउंट इनवाइस, यानी 1.8 मिलियन ही मिले हैं कैश में और इतने ही पैसे का बिल भेजा था कस्टमर को, उतने पैसे कस्टमर ने भिजवा दिए। महक कैलकुलेट द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ इट्स परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट इनवाइस्ड। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट इनवाइस देखें तो अमाउंट इनवाइस तो हैं 1.8 मिलियन की, तो 1.8 मिलियन की अमाउंट इनवाइस हो चुकी है, टोटल कितनी अमाउंट इनवाइस हो सकती है 5 मिलियन की। तो इसका मतलब है कि 36% प्रोग्रेस कंप्लीशन हुई है कॉन्ट्रैक्ट की। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में 30th September 2004, जहां पे उनका ईयर एंड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने के 9 मंथ के बाद, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितनी वैल्यू पर शो होना चाहिए। अब हम इसका आंसर जो बनाएंगे, हम इसका आंसर बनाएंगे, याद रखें, आईएफआरएस 15 के मुताबिक। तो प्रोग्रेस कंप्लीशन जो है वो अमाउंट इनवाइस डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के तौर पर हम मेजर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया कि वो इस बेसिस पर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट इनवाइस्ड। तो 1.8 मिलियन डिवाइड बाय 5 मिलियन, ये 36% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब IFRS 15 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जहां पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है ओवर टाइम, तो रेवेन्यू उतना ही रिकॉर्ड होना चाहिए जितना हम काम कंप्लीट कर चुके हैं, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए 5 मिलियन का 36%, विच इज़ वंस अगेन 1.8 मिलियन। अब ऑलरेडी जो हम रिसीवेबल पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं और बाद में उसका कैश भी हमें मिल चुका है, तो वो भी 1.8 मिलियन क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट होगा या रिकॉर्ड होना चाहिए, वो तो कोई अमाउंट बचती नहीं, वो तो अमाउंट बचती है निल। क्योंकि अगर आप जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री ये होगी कि भाई पहले आपने एंट्री डाली होगी रिसीवेबल डेबिट, जब बिल भेजा होगा 1.8 मिलियन डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट 1.8 से, फिर जब पैसे मिले तो कैश डेबिट 1.8 से और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 1.8 से। अब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कॉन्ट्रैक्ट एसेट अराइज हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एसेट अराइज होता अगर हमारा कोई रिसीवेबल रिकॉर्ड ना हो रहा होता और हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर चुके होते उसका। तो जितना रेवेन्यू रिकग्नाइज किया उतना कैश मिल चुका है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं बनता। तो सही आंसर इसका आईएफआरएस 15 के मुताबिक जो बनता है वो निल बनता है। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट करना कि अगर आप पेफा की वेबसाइट पर सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो वो सजेस्टेड आंसर डिफरेंट होगा, क्योंकि वो जो पुराना स्टैंडर्ड है सुपरसीड हो गया है IS 11, उसके मुताबिक उन्होंने सॉल्व किया है, जबकि हमारा जो सलूशन है वो IFRS 15 के मुताबिक है। तो IFRS 15 ने 2 स्टैंडर्ड्स को सुपरसीड कर लिया था, यानी अब वो स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करने चाहिए, एक IS 18 रेवेन्यू और एक IS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो जो आपको सजेस्टेड आंसर मिलेगा वेबसाइट पर वो पुराने स्टैंडर्ड के मुताबिक है, IS 11 के मुताबिक, जबकि सही जो आंसर है वो ये बनता है IFRS 15 के मुताबिक जो हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।